ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो गाइस चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ले लेना है। एंड अपने मॉडल को लेने के बाद गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड में आप सभी को लगा देना है। एंड ऐसे लगा देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड जो लास्ट की जो लाइन दिख रही है आपको, उसमें से थोड़ा साइड से रखना, ये दिखनी चाहिए लाइन, ठीक है? तो अब यहाँ पे कर देना आप सभी को डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ब्लर में जाना, फिर ब्लर में जाने के बाद गाइस आप सभी को इसको ब्लर का जो अमाउंट है वो रखना है 2 तक, ओके। उसके बाद जाना रेजर टूल में, फिर यहाँ से इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को छोटा करें। फिर उसके बाद आप सभी को ये पेंट करना है, वो ओनली फेस फेस के ऊपर, ठीक है? ज़्यादा हार्ड काम है नहीं यार इसमें, ठीक है? तो आप सभी को मैं मतलब कि शॉर्ट में ही समझा दिया मैंने वीडियो में। तो आप सभी को कुछ तरीके से अपने मतलब फेस के ऊपर पेंट वेंट कर लेना अच्छे से, है ना? इस फिर उसके बाद कर देना यहाँ से आप सभी को डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को गाइस फोटो की जो ब्राइटनेस है उसको बढ़ा देना, रेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करके, एंड फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करके, एंड कुछ इस तरीके से आप सभी को डोजन बन कर देना है, ओके गाइस। इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना, आप सभी को यहाँ पे कर देना डन। एंड जो उसका अमाउंट है गाइस अराउंड 5 या 6 तक रखना आप सभी को, ठीक है? 7-8 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 5-6 तक होना चाहिए, ठीक है? एंड उसके बाद कर लेना आप सभी को यहाँ पे फोटो को सेव। एंड यहाँ पे हम इसको ब्लू टोन में करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी लाइट रूम ऐप की, ठीक है? तो जब तक यार हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से कितनी मोटिवेशन मिलती है यार, आप सभी को पता ही होगा यार। मैं आप सभी के लिए 2-3 वीडियो रोज डाल दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, ठीक है गाइस? और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब हम इस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद आप सबको साइड में दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके आपको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो हाईलाइट है इसको कम कर देना है, एंड शेडो इसको बढ़ा देना है, एंड जो व्हाइट है इसको कम कर देना है, एंड ब्लैक इसको भी कम कर देना है, ठीक है? ब्लैक को भी कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सबको नीचे वाले टूल में फोटो की जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ा देना है, एंड टेम्परेचर को कम कर देना है। एंड उसके बाद जाना मिक्स में, और फिर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को जो है आप सभी को स्काई ब्लू टोन में ले जाना है। एंड जो सेकंड ब्लू वाला इसको भी स्काई ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सबको यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद आप सबको जाना है यहाँ से नीचे वाले टूल में, ठीक है? तो इस पर जाने के बाद आप सबको जो फोटो की क्लियरिटी है इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद जो है फोटो में विग्नेट तो डालना है गाइस, ठीक है? तो ये फोटो तो डार्क फोटो है, तो इसलिए आपको विग्नेट तो डालेंगे। एंड आप सबको फिर ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। नॉइस रिडक्शन है जो आप सभी को गाइस उसको भी बढ़ा देना है। एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है? तो उसके बाद आप सबको जाना है ऐसे वापस से कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स इसमें जाना है। एंड उसके बाद जो इसकी शेडो है इसको आप सभी को ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है? शेडो को ब्लू टोन में ले जाना है। फिर हाईलाइट्स है जो मिड टोन है जो गाइस जिसका, इसको भी आप सभी को येलो टोन में ले जाना है। जो हाईलाइट्स है इसको भी ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है? एंड उसके बाद कर देना यहाँ पर डन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है गाइस, ठीक है? तो आई होप यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना। एंड यार वीडियो सच में अच्छी लगी तो शेयर करने में ज़्यादा कंजूसी मत करना, शेयर भी कर देना। एंड आप में से कोई भी भाई चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस इन दो वीडियो में से आपको जो सी वीडियो बेस्ट लग रही है उन दोनों पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। बाकी आपको अगर और वीडियोज़ देखनी है तो आप सभी को चैनल के ऊपर क्लिक करके आप सभी को मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हो। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।